मेरा दिल लुटी जावे तेरे गल वाली ही गानी चेहरा मासूम यानी तेरे बिच शैतानी मेरा दिल लुटी जावे तेरे गल वाली ही गानी चाहिए। टाइम तो हो गया है, सर को तो अभी रखा जाना चाहिए था, वो देखो आ भी गए।
गांडी और मगरूर किस्म के इंसान है, ये किसी से प्यार नहीं करते, इनको किसी से मतलब नहीं है सिवाय अपने दादी से, ये अपने दादी से बहुत प्यार करते हैं, बिकॉज इनकी फैमिली में कोई नहीं है सिवाय इनके दादी के। हाँ शुगा, हम सबको ट्रीट दोगे ना अपनी जीतने की खुशी में?
अब कमान गर्ल्स, अभी तो मैच भी नहीं हुआ और तुम लोगों ने विनर पहले से अनाउंस कर लिया, ऊपर से मुझसे ट्रीट भी मांग रहे हो, पहले मैच तो हो जाने दो। तो उसमें क्या इशू था, हमें पहले से पता है कि तुम ही जीतोगे, ये देख लेना, मैं तुम्हें गारंटी देती हूँ। हाँ, हमें पूरा यकीन है कि तुम ही जीतोगे, तुम बस ये बताओ कि हमें ट्रीट दोगे या फिर नहीं। ओके ओके, आई प्रॉमिस, अगर मैं इस मैच में जीत गया ना तो मैं तुम सबको ट्रीट दूंगा, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच शुगा। ये लोग इसके पीछे इतना पागल क्यों है? बिकॉज वो है ही ऐसा स्मार्ट, गुड लुकिंग और इंटेलिजेंट भी है, तो उसके पीछे लड़कियां तो दीवानी होंगी ना। उनका तो नहीं पता, लेकिन मुझे तुझ पर जरूर शक हो रहा है कि कुछ दिनों में तू भी इनकी टीम जरूर ज्वाइन करने वाली है। अरे नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं होगा, वो एक्चुअली इस कॉलेज का पॉपुलर बॉय है ना, बस इसलिए लड़कियां उसकी दीवानी है। खैर ये सब छोड़, चल हम कैंटीन में चलते हैं। तूने सही कहा, भूख तो मुझे लगी है, अब इन सबको देख कर तो मेरा पेट नहीं भरने वाला ना, चल हम खाते हैं। मुझे लगा था कि वो हमें झूठे केस में फंसा देगी। थैंक यू सो मच बेटा, तुमने हमारी हेल्प की। नो इट्स ओके,
मुझे कभी कभार मिल जाते हैं। थैंक यू बेटा, वेलकम, अब मैं चलती हूँ, बाय। जल्दी चल। क्या हुआ? मैं ठीक हूँ, चल। मैम आप ठीक तो हो ना? वो तो शुक्र है इस बच्ची का, कितनी प्यारी बच्ची है, मुझे बहुत संस्कारी लगती है, मुझे मेरे जंगू के लिए यही चाहिए। काश ही हमारे घर की बहू बने तो मैं तो बहुत खुश हो जाऊंगी। मैम आपकी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, तुम कार ड्राइव करो। आई लव यू जमित। अब तेरा कौन सा आशिक पैदा हो गया, ये किसने भेजा है? अब मुझे भला क्या पता होगा, वैसे ये भेजा नहीं गया है, मेरे डेस्क के नीचे रखा हुआ था, बस वही मुझे मिला। मतलब तेरे आने से पहले किसी ने वहाँ पर उसे रखा था, लेकिन कौन हो सकता है? I don't know यार, वैसे मेरा सुबह से दिमाग खराब है, ऊपर से ये भी मिल गया तो मेरा डबल दिमाग खराब हो गया, बस इसलिए मुझे आज इतनी ज्यादा डांट पड़ी। वो क्योंकि रिलैक्स, देख शांत हो जा, अब ये किसने भेजा है वो तो हमें नहीं पता, लेकिन अगर दोबारा ऐसी हरकत हुई तो जरूर तू पता लगाने की कोशिश करना, देख एक ना एक दिन तो पकड़ा ही जाएगा, पता नहीं कौन है ये। I don't know, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, तो एक मिनट रुक, मैं अभी वॉशरूम होकर आती हूँ। ओके तो जा, मैं यहीं पर वेट कर रही हूँ। वैसे ये उन लोगों की भी गलती नहीं है, अब मैं हूँ इतनी खूबसूरत।